फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट थे कि सर अगर हम 10,000 रुपीज़ फीस पे कर देते हैं एंड अगर हमारी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती पाई जाती है तो क्या सर हमारे 10,000 रुपीज़ हमें रिफंड होंगे या नहीं होंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये UPDLED की जो है काउंसलिंग की शेड्यूल जो जारी किया गया था ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पर जो है उसकी जो प्रोस्पेक्टस है उसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, देखिए, लेने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उक्त शुल्क जो आप 10,000 रुपीज़ पे करेंगे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ उसको सही करवा लें एंड अगर सही नहीं हो पाता है तो आपको जो है सोच समझकर ही 10,000 रुपीज़ पे करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपके 10,000 रुपये वापस नहीं होंगे एंड यहाँ पर जो है ये जो रकम है फ्रेंड्स ये कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है 10,000 रुपीज़। तो आपको जो है ध्यान में रखना है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तभी आपको पे करनी है। यहाँ पर ये भी आप पढ़ सकते हैं, देखिए, स्टूडेंट को प्रशिक्षण हेतु संस्थान आवंटित हो जाने के बाद आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में, मतलब कि स्टूडेंट के प्रवेश ना लेने, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं आपको तो फीस पे करना ही है, नहीं लेते वह किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती पाए जाने पर 10,000 रुपीज़ जो आप जो है 27 सितंबर से पहले पे करेंगे तो आपको जो है वो वापस नहीं होगा, इसलिए आपको सोच समझ के पे करना है इसको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।